फ्रेंड्स स्वागत है सभी का मेरे इस चैनल में। मैं हूं अनुज कुमार और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे कि जो आंसर की जारी किया गया है नीट के द्वारा और उसमें चैलेंज का भी ऑप्शन दिया गया है जो कि 31 मई लास्ट डेट है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या क्वेश्चंस जो आंसर की जारी किया गया है उसमें चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल किया जा सकता है। तीन ऐसे क्वेश्चन है जिसपे चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए लाल सब्सक्राइब को वहां पे क्लिक करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको कोई भी नीट के रिलेटेड, एक मेरा ही चैनल है, मैं ही वीडियो बनाता हूं जो तुरंत आपके पास अपडेट्स विद प्रूफ पहुंचता है। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूले, कोई भी मैसेज करना है तो प्लीज आप मैसेज वहां पे ही करें। तो क्वेश्चन है कि वो जो तीन क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिसपे क्लेम किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है एंजाइम पे, दूसरा जी नोट फेस सेल डिवीजन पे आया था उस पे था, और तीसरा क्वेश्चन कॉर्निया यानी आई पे क्वेश्चन पूछा गया था उस पे क्लेम करना बनता है। लेकिन मैं एक एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एक बात कर दूं, जिन स्टूडेंट को लगता है कि अगर मैं आपको भी प्रूफ से बताने वाला हूं कि कौन कौन क्वेश्चन दिखाऊंगा बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले कुछ बात समझ ले आपको जो मैं बताऊंगा आपको खुद अपने टीचर से संपर्क कीजिएगा, लास्ट डेट कल ही है, संपर्क कीजिएगा और आपको प्रॉपर उनको गाइडलाइन में आप उनको संपर्क करने के बाद आप क्लेम कीजिएगा। ये नहीं कि मैं बोला आप क्लेम कर दिया, अगर आपको बिलीव है फेथ है तो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो मैं बताने वाला हूं, गाइडलाइन देने वाला हूं, आपको प्रॉपर क्या करना है, अपने टीचर से संपर्क करना है, क्लेम करना है। या जिन स्टूडेंट को वो क्वेश्चन सही है, नीट ने उनको मार्क्स दिया हुआ है, वो लोग उस पे क्लेम नहीं करेंगे, उनका मार्क्स मिला हुआ है, उनका मार्क्स कटेगा नहीं। अगर जो स्टूडेंट क्लेम भी करते हैं उनका सही होता है तो जिनको मार्क्स मिला हुआ है उनको नहीं कटेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको कि कौन कौन से वो तीन क्वेश्चन है आपको बता रहा हूँ। आप अपने कोई भी टीचर से संपर्क कीजिएगा, उनसे दिखाइएगा कि सर इस पे क्लेम करें या ना करें, वो जैसे बताते हैं आप वैसे कीजिएगा, मैं बस आपको गाइडलाइन देने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये क्लेम का कॉपी है, मैंने अपने भाई का क्लेम किया है उस पे कॉपी है। तो एस पेपर कोड S6 क्वेश्चन नंबर 75, मैं प्रॉपर आपको अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, मैं प्रॉपर आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा चलकर। पहले ये देख ले, यहाँ पे मैंने क्लेम किया हुआ है NTA CBSE का आंसर 2 है लेकिन क्लेम मैंने 3 पे किया हुआ है, ठीक है। और आपको ये रेफरेंस बुक का देना होता है कि आपने रेफरेंस देना होता है कि आपने जो आंसर आपको लगता है ये सही है, आपको किस बुक से लगता है या कैसे आप इस पे क्लेम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। अगला है सेल डिवीजन पे, सेल डिवीजन पे P2 का क्वेश्चन नंबर 163 NTA ने क्वेश्चन नंबर 3 को सही किया है लेकिन क्लेम 1 पे हुआ है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम पे, एंजाइम पे P2 सेट का क्वेश्चन नंबर 157 NTA ने 2 आंसर दिया है और क्लेम 3 पे हुआ है। आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जिस पे आपको क्लेम करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए बोनस मार्क्स के लिए, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका सेट जो भी हो, क्वेश्चन में प्रॉपर दिखा रहा हूं, पढ़ के सुना रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला ऑप्शन कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटेनेसियस कवरिंग ऑफ द आईबॉल, दूसरा ऑप्शन कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ, तीसरा ऑप्शन कॉर्निया इज कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज हाईली वैस्कुलराइज्ड, चौथा ऑप्शन कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलाजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई। तो इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 होना चाहिए, आपको 1 पे क्लेम करना चाहिए। लेकिन आप पहले किसी टीचर से, अच्छे टीचर से संपर्क करें, उनको दिखाएं। दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन है सेल इज जी नोट फेज, जी नोट फेज में सेल एग्जिट द सेल साइकिल, इंटर द सेल साइकिल, सस्पेंडेड द सेल साइकिल एंड टर्मिनेट द सेल साइकिल, तो इसका आंसर पहला होगा। यहां पे इसका पहला ऑप्शन, यहां पे वैसे कोचिंग वाले ने पहला दिया हुआ है तो इसका आपको पहला ऑप्शन पे क्लेम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोएंजाइम और मेटल आयंस दैट इज टाइटली बाउंडेड टू एंजाइम पोर्शन इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक ग्रुप, अ कंप्लीट कैटलिस्ट एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोस्टेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। आपको इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। लेकिन जो भी इसका आंसर क्या दिया हुआ है आप देख ले, ये तीन क्वेश्चन पे आपको क्लेम करना बनता है। आपको रेफरेंस बुक या अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, आप किसी से संपर्क करें, या आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है करने में तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करें, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट तो इस प्रोस्थेटिक पे और जीनोट फेज पे क्लेम कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट।
आप भी क्या करें, कल का टाइम है, आप प्रॉपर किसी से संपर्क करें और इस पर क्लेम चैलेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। फ्रेंड्स आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा मैं कैसे कैसे क्या जो दिखाया, आप उसी के आधार पे काम करें। टाइम नहीं है, आप प्रॉपर क्या करें, कंसल्ट करें कोई भी बायोलॉजी के टीचर से और आप उनको दिखाएं और उनको वो अच्छे टीचर से दिखाइएगा और वो जैसे बताते हैं वैसे आप कीजिएगा। या आपको कोई रेफरेंस बुक है उसमें सर्च कीजिए, विकिपीडिया पे सर्च कीजिए, आपको जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा आप क्लेम मत कीजिए। बस मैं बताया आपको कि आपको इस पे करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, लाइक्स नहीं हो रहा है, लाइक्स करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। आप चाहते हैं कि नीट के रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वीडियो।